किसी का जीता हुआ मेडल छीन कर गले में डालने से बंदा खिलाड़ी नहीं चोर कहलाता है। इलेक्शन के चार दिन गुजर गए, अब तक खत्म नतीजा नहीं आया। इमरान खान जो 180 सीटों पर जीत चुका था उसको 100 तक लाया गया, और नवाज शरीफ जो सिर्फ 15 सीटें ही जीत चुका था उसको 76 पे ले गया। सब कुछ अवाम से छुपाया जा रहा है, पारम 45 का नतीजा कोई मानता ही नहीं। पाकिस्तान का दजाल मीडिया कुछ और दिखा रहा है, हमें मजबूरन हिंदुस्तान की मीडिया पर पाकिस्तान के हालात देखने पड़ते हैं। मकरूस कौम का पैसा और वक्त जाया करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ये तो साबित हो गया कि इस निजाम में अवाम के राय का कोई मुकाम नहीं। किसी का जीता हुआ मेडल छीन कर गले में डालने से बंदा खिलाड़ी नहीं चोर कहलाता है। जब तक अवाम को अपना मैंडेट नहीं मिलता, जब तक अवाम का मुंतहिब नुमाइंदा इख्तियार में नहीं आता, जब तक रियासत अपना कबला दुरुस्त नहीं करता, तब तक हम इस मुल्क का कानून नहीं मानेंगे। और ना ही ये एक आजाद रियासत है। एक मुल्क तरक्की के रास्ते पर कैसे चलता है, कोई जाके हिंदुस्तान से सीखिए। अपने मुल्क को बदनाम किया, अपने इदारों को बदनाम किया, अपने पाक फौज को बदनाम किया सिर्फ एक अमेरिका को खुश करने के लिए। ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, इख्तदार अवाम की मर्जी का होगा तो ये मुल्क चलेगा। और अवाम अपना फैसला सुना बेटी है। अब सारे इदारे नतीजे को बदलने पे लगी है, लेकिन याद रखना हमने इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने की कसम खाई है। और जिस बंदे पर तुम लोगों ने 200 केसेस बनाए हैं, आवाम उसी मुजरिम को कुर्सी पे बिठाने की जिद पे लगी है। ऐ वतन जान 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 मन दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा।